हाय गाइज, वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एंड न्यूज़ में इतना ज़्यादा कोविड के बारे में आ रहा है और वायरसेस के बारे में आ रहा है, तो आई जस्ट होप आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे होंगे जितना रख सकते हैं। हमारा अपडेट ये है कि मैं अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो मुझे लास्ट डॉक्टर ने बोला था कि आप ड्रिप लगवा के एंटीबायोटिक्स ले लो डायरेक्ट ब्लड में, उससे ज़्यादा जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। उस दिन मैंने सब कुछ ले भी लिया, लेके मैं घर भी आ गई और मुझे था कि अब मैं स्टार्ट करती हूँ सुबह शाम का और फटाफट ठीक होती हूँ। बट लाइफ हैड अदर प्लान्स फॉर मी। जिस दिन मैं घर आई उसी दिन से नूर को बुखार स्टार्ट हो गया था। शाम को हम उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए और डॉक्टर ने उसका गला चेक किया, बिकॉज हो सकता है कि ये सेम जो मुझे था वो उसको हो रहा, उसके सबसे हाई चांसेस लग रहे थे। तो डॉक्टर ने उसकी दवाई स्टार्ट कर दी, बट लास्ट 3 दिन से गाइस उसको इतना हाई फीवर है, 103 बुखार आ रहा है हर 3 घंटे में। तो अगेन हम 2 दवाइयों के बीच में स्विच करते जा रहे हैं और लास्ट का 1.5 घंटा तो होता है जिसमें उसको बिल्कुल स्पॉन्जिंग करनी पड़ती है। इतने छोटे बच्चे को इतना हाई फीवर मैंने नहीं देखा है लाइफ में। कबीर को देखा था अभी 1 महीना पहले और अब इसको देख रही हूँ। और लग रहा था कि भाई टाइफॉइड भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इसमें भी कोई सिम्टम नूर को कोई और सिम्टम था ही नहीं। तो 2-3 बार तो मतलब अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, हॉस्पिटल गए, कई बार लगा कि इसको मतलब एडमिट करा देते हैं, बिकॉज़ इतना छोटा बच्चा क्या पानी पिएगा, क्या आप उसको खिला सकते हो यार, कुछ भी नहीं कर सकते। बट फिर भी नूर काफ़ी फाइट कर रही थी। जब बुखार डाउन होता था तो वो थोड़ा एक्टिव होती थी, हंसती थी, तो उसको देख के ना दिल नहीं मानता था कि बच्चे को हॉस्पिटल में रखो। एंड यू नो हॉस्पिटल का एक एनवायरनमेंट होता है कि मतलब एक कोई बड़ा बंदा ही हो यार, वही गिव अप कर दे, छोटा बच्चा कितना परेशान हो जाएगा। तो फिर उसके डॉक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि देखो घर पे फिर भी कुछ खा रही है, थोड़ा हंस रही है, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और उसका अपना एनवायरनमेंट है, तो सिर्फ वो रोती है जब उसको दवाइयाँ देते हैं, हॉस्पिटल में सारा टाइम रोएगी। तो अगर जितना रख सकते हो उतनी देर उसको घर पर रखो। तो आई थिंक पेशेंस की बात थी, लास्ट 4 दिन से इतना पेशेंस रखा हुआ था कि बस नो ठीक हो जाए। तो अब फाइनली आज जाके पहली बार है, अभी कुछ घंटे हो चुके हैं कि उसको बुखार नहीं चढ़ा है, तो बस मैं फिंगर्स क्रॉस कर रही हूँ कि ये वही हो कि 5 दिन जो हाई फीवर काफ़ी लोग बता रहे हैं कि आ रहा है और उसके बाद सबसाइड हो जाए। सो हो सकता है कि उसको मेरी वाली ही कंडीशन हो, बिकॉज मैं उसको 2-3 दिन लगातार डॉक्टर के पास लेके गई उसका गला दिखाने के लिए और डॉक्टर ने बोला उसका गला कंजेस्टेड है। तो हो सकता है कि जैसे कबीर को ये था और मुझे था, मेरी जो कंडीशन थी उसका नाम था टॉन्सिल फेरेंजाइटिस। तो मेरा तो बहुत एक्सट्रीम हो गया था क्योंकि एक वाइट फिल्म आ गई थी पूरा, बट उसका भी ऐसा नहीं है, बट उसके गले में कंजेशन क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी रेडनेस दिख रही है। तो डॉक्टर अकॉर्डिंगली दवाई दे रहे हैं, सो ये चल रहा है अभी। एंड कबीर ने स्कूल स्टार्ट कर दिया था इस हफ्ते, काफ़ी एक्साइटेड था वो, काफ़ी अच्छा वीक जा रहा था उसका, एनर्जी भी बिल्कुल अच्छी थी, एपेटाइट अच्छी चल रही थी। और थर्सडे को तो उसकी क्लास असेंबली थी जिसमें उसने स्टेज पे जाके प्रेजेंट करना था, उसे बोलना था, और उसने इतने अच्छे से बोला, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज ये मैं बहुत किया करती थी अपने स्कूल टाइम्स में, मुझे बिल्कुल स्टेज फियर नहीं था, मैं जाके एकदम कॉन्फिडेंटली बोलती थी, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट वैन इट केम टू पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो लाइफ में आपको बहुत हेल्प करता है, पढ़ाई एक तरफ और आपका कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन पब्लिक एक तरफ, और फिर आप यू नो यू जस्ट शाइन थ्रू योर करियर। सो मुझे अच्छा लगता है देख के कि कबीर में भी वो चीज़ है, जब भी ऐसा कुछ स्कूल में होता है तो वो मैम की फर्स्ट चॉइस होता है कि कबीर बोल लेगा, उसको 8-10 लाइन्स दे दो। सो ये सब चल रहा था। आज फ्राइडे, आज से छुट्टी थी, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड था, बट कल से कबीर को बुखार आ गया और उसको जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी वायरल वाले लग रहे हैं। तो उसको सुबह डॉक्टर को दिखा के आए, बिकॉज उसका केस सेंसिटिव है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका टाइफॉइड रिलैप्स हो जाए, पर डॉक्टर ने देख के प्रॉपरली चेक करके बोला कि अभी तो मुझे वायरल लग रहा है, अगर कल तक बुखार नहीं उतरेगा तो फिर हम टाइफॉइड का एक टेस्ट कर लेंगे। बट उसके स्कूल में 50% अटेंडेंस चल रही है, बच्चे बहुत बीमार हैं, तो लग रहा है वायरल ही है। प्रॉब्लम यही है कि जब से ये स्कूल्स शुरू हुए हैं ना कोविड के बाद, तब से जो इम्यूनिटी है बच्चों की उसने इतना मेजर हिट ले लिया है, और कबीर की इम्यूनिटी अभी भी वैसे कोई बहुत ग्रेट थी नहीं, बट स्कूल स्टार्ट करना ही था, आप कितने दिन बच्चे को घर पर बिठा सकते हो, और फिर ये हो गया, ये मुझे लग ही रहा था। तो आई जस्ट होप कि ये वायरल में ही निकल जाए और फिर सब ठीक हो जाए। और गाइज मतलब मेरे डॉक्टर भी ये बता रहे थे कि ये बस अगले 10 दिन की बात है, कि 10 दिन की वेव है, इसमें जितना सब ध्यान रख लें उतना अच्छा है, बाकी ये है कि हर कोई इसके अंडर आ ही रहा है, काफ़ी लोग टेस्ट करा रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं करा रहे हैं, बट नंदलेस ये वायरल ही है। सो आप लोग भी ध्यान रखिएगा।
क्या है ज, मैम ने जो लिखा है वो पढ़ो। ये लो बेटा, ये लो, ये लो, ये लो। जग। हिंदी की पढ़ाई में कभी को इतनी नींद आ गई है। मैंगो सीजन आ गया है गाइस, आप देख सकते हो हमारे घर में आम ही आम आ चुके हैं। ये मेरा फेवरेट आम है सफ़ेदा, और ये आम कबीर को बहुत अच्छा लगता है, सौरभ को बहुत अच्छा लगता है। सो अभी ये सारे फ्रूट्स धुल के पड़े हैं, उसके बाद इसको अंदर रख देंगे। मेरी मॉम कहती है कि हमेशा आम को ना 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए, तो उसकी गर्मी सही निकल जाती है, तो अभी वही यहाँ पे किया जा रहा है। सो गाइज, फाइनली मैंने एक रेसिपी वीडियो शूट किया, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी चैनल पे आने वाली है न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट से, स्पेशली बच्चों के लिए, और ये बेबीज को भी बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। वैसे हमारे चैनल पे बहुत रेसिपीज ऑलरेडी हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, और उसे एज फैमिली मील्स भी आप बना सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अच्छा लग रहा है टू स्टार्ट वर्क अगेन, इतने टाइम से मैं मिस कर रही थी कि मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही, और आज सैटरडे नाइट है, तो मैं बैठ के सारे अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को वीडियो कॉल्स करने वाली हूँ, जो इतने टाइम से मुझे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था किसी से भी बात करने का। पहले मैं खुद नहीं कर पाती थी, और उसके बाद फिर बच्चों की वजह से नहीं था, बिकॉज इतना ये सब चल रहा था। एंड यू नो, अच्छे फ्रेंड्स और एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली होने का फ़ायदा ही ये होता है कि दे डू अंडरस्टैंड कि जब आप नहीं फ़ोन उठा पाते हो, या बात नहीं कर पाते हो, या व्हाट्सएप पे भी 2-3 दिन बाद रिप्लाई करते हो, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि यू नो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी हार्ड, एंड इट्स ओके टू गिव यू स्पेस एट दैट टाइम। सो नाउ दैट आई एम फीलिंग नाइस, आई एम गोना कॉल एवरीबडी, एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू एवरीबडी विद अ स्माइल, और आई एम श्योर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सो दैट्स माई प्लान फॉर सैटरडे नाइट, और कुछ नहीं करना है आज, और फिंगर्स क्रॉस रखनी है कि रात को बच्चों की तबीयत ठीक रहे। एंड ऑल्सो यार, या काफ़ी लोग मेरे से पूछे थे कि मैं अपना हेयर कलर एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कैसा गया। सो गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने फर्स्ट टाइम हेयर कलर कराया था कबीर के बर्थडे पे, और वो इसलिए था क्योंकि मेरे ग्रे बाल काफ़ी हो रहे थे, तो इतने टाइम से मैं मेहंदी कर रही थी, बट फिर यू नो मेहंदी करना और मेहंदी के बाद ना एक ऑरेंजिश रिजल्ट बालों में आता है, आधे बाल ऑरेंज आधे बाल ब्लैक, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार चलो लाइफ में कभी तो करना ही है, तो स्टार्ट करते हैं। और मुझे सबसे बड़ा डर था कि चलो कलर तो जो होगा होगा, हेयर क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। तो मैंने अपने घर के पास ही लुक्स सलोन है, वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे जाके मैंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव हेयर कलर करवाया, आई थिंक शेड था 4.2। तो मैंने उनकी जजमेंट पे छोड़ दिया कि मेरे बालों पे कैसा लगेगा, तो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने हेयर वॉश की और जो कलर निकल के आया, ओ माय गॉड, मुझे ऐसे लगा कि बस मैं छुप जाऊँ कहीं पे। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इसे डार्क कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहिए था अपने बालों में। तो फिर उन्होंने उसको थोड़ा डार्क किया, और उसके बाद भी जो कलर आया वो उस टाइम पे सेटिंग वगैरह करके अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही मैंने 3 दिन बाद वॉश किया, ओ माय गॉड, मुझे उस दिन से है कि मैं ये कलर चेंज कराऊं, तो समहाउ आई एम नॉट लाइक वेरी हैप्पी, मतलब दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द कलर आई वॉन्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते हो। सो दैट्स नंबर वन। एंड सेकेंड, डेफिनेटली मेरी हेयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हुई। उन्होंने बहुत बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली मेरी हेयर क्वालिटी ख़राब हुई। मैंने वहाँ से ही उनसे बहुत एक्सपेंसिव शैम्पू और कंडीशनर लिया, कि जिससे उन्होंने बोला कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। तो अब मेरा बस प्लान है कि फाइनली जब अब सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो सबसे पहले मैं जाके अपना हेयर बिल्कुल कट करा लूँ, छोटे छोटे करा लूँ, बिकॉज गर्मी आ गई है, और उसके बाद मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक स्टार्ट करूँ, जिससे कि मैं अपने बालों की जो क्वालिटी थी ना, विच वॉज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, मैं वो वापस ला सकूँ। सो गाइस, मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर अभी अपने हेयर कलर नहीं कराया ना, तो आप थोड़ा टाइम और रुक सकते हो। सो डेफिनेटली हेयर क्वालिटी जो है मेरी तो इम्पैक्ट हुई, और मे बी मेरी इसलिए भी हुई बिकॉज उन्होंने मेरा हेयर कलर करने से पहले ब्लीच कर दिया था। तो जैसे मुझे काफ़ी लोग बाद में बता रहे थे कि भाई ब्लीच कराना ठीक नहीं डिसीजन था, बिकॉज उससे बाल काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, बट मुझे पता ही नहीं था, इट वॉज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो मैंने आई ट्रस्टेड द प्रोफेशनल्स, but I was kind of let down. So take your call, अगर आपको लगता है कराना चाहिए तो आप कराएं, but that's my experience. और आज टाइम मिला तो मैंने एसी सर्विसिंग के लिए भी बुला लिया है। यहाँ का स्प्लिट एसी है, इसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, अंदर एक एसी है उसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, तो वो आज करा रहे हैं। तो काफी टाइम बाद कबीर ने ये सारे एल्बम्स निकाले हैं। आप लोग जो हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये कबीर के टाइम पे मैंने एल्बम्स बनाए हुए थे एक वेबसाइट ऐप से। तो ये बेबी बम्प फेज़ है, उसके बाद मानसीज बेबी शावर एल्बम है, ये हमने एक ट्रिप लिया था मनाली, उसका एल्बम कबीर देख रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ रहा है वो।
और ये है कबीर का बर्थ एल्बम जिसमें उसकी पूरी जर्नी जो है वो कैप्चर हुई है। तो ये मैंने एक्चुअली में तो मेमोरीज के लिए रखे थे कि कभी जब बड़ा होगा तब देखेगा, बट कबीर ऑलरेडी एट 6 ईयर्स ओल्ड वो देख के पढ़ के उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना उसे इंटरेस्ट हो गया देखने के बाद कुछ सारे एल्बम्स खोल के देख रहे हैं। कबीर व्हाट इज योर टेक अबाउट द एल्बम्स बाबा? नथिंग। सो गाइस फाइनली शाम के 8 बज गए हैं और अब जाके मुझे टाइम मिला नहाने का। आज मतलब इतनी वीकनेस वाला दिन था कि बस सिर्फ नींद 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 ही कैचअप किया पूरा दिन, और सर ने बहुत सारे घर के काम करा दिए। सो द गुड न्यूज इज दैट हम तीनों ही, मैं कबीर और नूर, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, मच मच बेटर फील कर रहे हैं, और आई थिंक बाई टमोरो वी शुड बी रेडी टू गेट बैक टू डू वॉट वी लाइक टू डू। So that's the good thing, right, Nunu? We are happy, Nunu. No, clap your hands. Clap your hands, Nunu. If you're happy and you know it, clap your hands. Yes, we are happy. Nunu's favorite game is this surprise eggs. वो eggs लेती है, इसमें कुछ रखती है और फिर surprise करती है। Nunu, open कर दो, open, open your surprise eggs, Shona. मेरे बनाए हुए fries खा रही है Nunu. Yes. Nunu को ये fries दादा ने घर में बनाए हैं. And Nunu is loving it. Let's see. Crunchy है थोड़ा। नूर को कबीर को दोनों को ये फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ कभी तो वेट नहीं कर पा रहा है, कह रहे मैं नहा धो के फ्रेश हो के खुद खाऊंगा। इसको भी अच्छा लग रहा है। हाँ सो नाइस। खा रही है मानो, यही इसका ऊ आ है। कल कबू पूछ रहा था कि ये तो बना लिया, इसके अंदर आलू की स्टफिंग कैसे करी? उसको लग रहा है कि आलू की स्टफिंग वाला कोई है।